हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं, कि तेरा हो जाऊं। आर्यन है ओ, 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 ओ सारणपुर के दीपराग हो भैया। जी भैया बोलिए। तो यही फिलहाल वन गुगाओ जाइए, वहां देख फिलहाल टू का टीजर भी आ गया है। सही में कमाल हो गया ये तो। अच्छा और क्या मैं झूठ बोल रहा? चलो चलो रिएक्ट करते हैं, चलो चलो। हेलो गाइस, मैं हूं मैं, आप हो आप, और ये है सिने समाचार। दोस्तों इंट्रो देखने के बाद में आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं ब्रांड न्यू रिलीज टीजर ऑफ फिलहाल 2। जी हाँ दोस्तों, और ये जो फिलहाल 1 है ये रिलीज हुआ था आज से करीब 1.5 साल पहले नवंबर के महीने में। डेट मुझको याद नहीं है, लेकिन जब ये रिलीज हुआ था तो क्या रिलीज हुआ था, जहाँ देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, तब तो टिकटॉक भी था, जहाँ भी देखो वहीं पर फिलहाल फिलहाल फिलहाल, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ये गाना रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। और इसने उस समय के शायद सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, बाद में इसके रिकॉर्ड्स को भी दूसरे जो म्यूज़िक वीडियोज़ आए उन्होंने तोड़ा, लेकिन उस वक्त इसने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। और इसके अंदर थे उस वक्त अक्षय कुमार, नुपुर सेनन और एमी विर्क, और इसको लिखा था जानी जी ने। जानी क्या लिखते हैं यार, वो कितना ज़बरदस्त गाना उन्होंने ये लिखा था, और इसको गाया था बी प्राग ने। बी प्राग व्हाट अ सिंगर, मतलब जबरदस्त, हम सब जानते हैं उनके बारे में। और इसको डायरेक्ट किया था अरविंदर खैरा ने, और देसी मेलोडीज के ऊपर ही ये गाना रिलीज हुआ था। तो अभी फिलहाल जो है, देखिए बातों में भी फिलहाल आ रहा है, तो फिलहाल जो है ये पूरी की पूरी टीम दोबारा से रिपीट हुई है और ये टीजर रिलीज हो चुका है। तो पहले गाने में जो कहानी थी वो हम सबको पता है कि मेहर ग्रेवाल और डॉक्टर कबीर मल्होत्रा की कहानी थी, तो वो आगे कहां तक जाती है और ये गाना कब रिलीज होने वाला है वो शायद डेट भी हमें यहां इस टीजर में देखने को मिल जाए। तो बिना किसी देरी के हम इस टीजर को जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, तो 54 मिनट हो चुके हैं इसे रिलीज हुए और 4.7 लाख व्यूज हैं और 97,000 से ऊपर लाइक्स आ चुके हैं। ये फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पिछली बार भी आई थिंक टोटल जो व्यूज है उसके फिलहाल 1 के वो 1 करोड़ से ऊपर है, और 102 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ बोल रहा हूँ। और जो लाइक्स वगैरह हैं वो शायद 7 मिलियन से ऊपर है, 7.5 मिलियन के आसपास में है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 ये लो, चल जा भाई, चल गया। वो अक्षय, नुपुर सेनन, He is looking damn handsome. SSO. Wow, wow, wow. Oh. I'm getting goosebumps. Deepak. Emmy Virk. Okay. Filhal to Mohabbat. Beautiful. July 6, 2021 3 बजे। It was up to my expectation, मतलब जैसी उम्मीद मुझे थी बिल्कुल वैसा ही ये टीजर रहा है। और स्टोरी के बारे में तो कुछ खास प्रिडिक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है उन लोगों ने, थोड़े ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, और जितने भी ग्लिम्पसेस दिखाए हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे हैं। और ऐसी बढ़िया बढ़िया लोकेशंस हैं, सब के सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, और जब अक्षय कुमार बुलेट पर एंट्री मारते हैं तब तो क्या ज़बरदस्ती वो लगते हैं। बुलेट नहीं है शायद, कोई और बाइक है, कोई बड़ी सी, अब हम तो देसी लौंडे हैं, हमें तो बुलेट ही पता है। तो खैर जो भी है छोड़ो इसे, तो जब वो एंट्री मारते हैं वहाँ वो अच्छे लगते हैं। और स्टोरी के बारे में अगर सोचें तो स्टोरी जो है शुरुआत में जैसे दिखाया गया है तो एमी विर्क है और नुपुर सेनन है, ये दोनों हैं, और अक्षय कुमार एक सीन के अंदर वो पल्लू सा हटा रहे हैं उनका गाड़ी में बैठने के लिए, फिर निकल जा रहे हैं तो नुपुर सेनन देख रही है। वहाँ पर लग रहा है कि स्टोरी जो पहले वाली है वही कंटिन्यू हो रही है, लेकिन बीच में 2 सीन ऐसे आए हैं, एक तो जब अक्षय कुमार और वो नुपुर सेनन जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो वाला जो सीन है, तो हो सकता है वो दोबारा कहीं पर मिले हैं और दोबारा फिर से वैसा कुछ हो रहा हो, और वो तो चलो जस्टिफाई है। लेकिन बाद में एक सीन आया है जब नुपुर सेनन की शादी हो रही है और अक्षय कुमार वहाँ पर डांस कर रहे हैं,
और वहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो नूपुर सेन के जो पिता हैं वो पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर भी वही थे, वही खड़े हुए हैं, लेकिन अक्षय कुमार वहाँ पर डांस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है उस जो सीन से है, उन्होंने सस्पेंस बना दिया है। तो ये काफ़ी एक्साइटेड करने वाला टीज़र था, देखते हैं कि पिछली बार की तरह बिछड़ ही जाएंगे या इस बार मिल जाएंगे। तो ये सब तो हम देख ही लेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन जो म्यूज़िक इसका होने वाला है वो फिर से टॉप नॉच होने वाला है, मतलब ज़बरदस्त। बीक पराग ने सिर्फ एक लाइन गाई है, क्या लाइन थी वो तो शायद मेरे दिमाग से निकल गई है, लेकिन उसका जो फील था उस लाइन का वो अभी तक मेरे दिमाग के अंदर है। देखिए मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सही से, मेरे दिमाग के अंदर है और मैं उसे अभी भी इमेजिन कर सकता हूँ। और जब वो लाइन बीक पराग ने गाई तो एकदम से गूज़बम्प आए मुझे एकदम से, और मतलब पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल पहले वाले जैसा लग रहा है, बल्कि उससे भी थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। देखो यार, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करना थोड़ा अनफेयर होगा यहाँ पे, क्योंकि 50-52 सेकंड का इन्होंने टीज़र रिलीज़ किया है और उसके अंदर सब के सब जो हैं अपना बेस्ट पार्ट ही दिखाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो बेस्ट पार्ट ना भी दिखा रहे हों फिर भी मुझे जो है 50-52 सेकंड पूरे के पूरे अच्छे लगे हैं, तो उसमें मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा है। और अगर मेरी जो फेवरेट जो सीन रहा है इस वीडियो के अंदर मेरा, उसके बारे में बात करें तो मेरा फेवरेट सीन इस वीडियो के अंदर था ये। तो जब ये वीडियो आएगा देखते हैं तभी एकदम से, अभी फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि देसी मेलोडीज वाले जो हैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारे इस वीडियो पर, इसी वजह से मैं रिएक्शन वीडियोस कम बनाता हूं। बट अगर आपको ये रिएक्शन मेरा अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, और अगर अक्षय कुमार के फैन हो तो इसे सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने रिएक्शन देखने उन लोगों के जो फिरंगी हैं या तो, या साथ में कोई खूबसूरत सी लड़की बैठा लेते हैं। अब देखो भाई, तुम्हारा भाई है सिंगल, तो मैं लड़की तो मैं बिठा नहीं सकता, और फिरंगी में हूँ नहीं तो मेरे पास में ऑप्शन भी नहीं है, बट रिएक्शन करना मुझे पसंद है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो अपने भाई को, और जल्दी से सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े बढ़वाओ, काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ यार। देखो यार ध्यान रखो, और जो भी कमी रही हो ना वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता देना, बेझिझक तुम्हारा भाई इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।